आपगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या पत्रकारों में रोष, नौ के पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। आपगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या होने के कारण पूरे देश के पत्रकारों में रोष है। जगह जगह पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के हत्यारों को सख्त सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी बीच नौ जनपद के सभी पत्रकारों ने पत्रकार की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और पत्रकार समाज की रक्षा के लिए देश सरकार से मांग की। पत्रकार के हत्यारों को सख्त सजा दिलाने और दोबारा सी पत्रकार पर हाथ डालने में 100 बार सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर देने जैसा कानून बनाने की भी मांग की जा रही है। प्रदेश सरकार से मांग करने के लिए गांधी नगर तिराहे पर पत्रकार प्रतिमा को रखकर उसकी प्रतिमा पर मालार्पण किया गया और 2 मिनट का मौन रखते हुए उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। शहर के बड़े चौराहे पर भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतीज वाजपेयी, अभय कुमार दीक्षित, विकास जायसवाल, निवेश दीक्षित, नीलेश प्रताप सिंह, धीरज काश, दिवांश, पंकज चौहान, शिवम व अन्य पत्रकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की सड़क पर हत्या कर शव को फेंक दिया गया था, जिसे बाद में आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही थी। पत्रकारों में इस तरह रोष व्याप्त है और पत्रकार द्वारा डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की भी मांग की गई थी। शासन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सतर्क दिखाई नहीं देता और पत्रकार अपने जीवन को दांव पर लगाकर समाज के लिए एक आईना, एक दर्पण का काम करता है। इस तरह के पत्रकारों के साथ किए जा रहे व्यवहार से पत्रकारों के बीच रोष है और पत्रकार अपने लिए सुरक्षित कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जनमंच खबर के लिए उन्नाव से उनकी सोनकर की रिपोर्ट। देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।